हेलो एवरीवन, पूजा यमी केक कॉर्नर में आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। तो मैं आज आपके लिए एक न्यू फ्लेवर का केक लेके आई हूँ, जो कि दिखने में जितना ही सुंदर है उसे बनाना भी बहुत ही आसान होता है। इसमें मैंने कोई भी नोजल का यूज नहीं किया है, इसे आप बहुत आसानी से बना सकते हैं। ये देखिए कितना सुंदर है, तो टेस्ट में भी है ना बहुत ही अच्छा लगता है। चलिए इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने कढ़ाई को 10 मिनट्स के लिए प्री हीट करना है। उसमें मैं एक स्टैंड डाल देती हूँ, इसे हाई फ्लेम पर प्री हीट करेंगे। जो भी मेरे चैनल पर नए हैं प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, शेयर करें, लाइक करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, ताकि मेरे सभी वीडियो के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो मैंने एक छलनी ले लिया है, उसमें मैं लूँगी 1 कप मैदा। देखिए उसके बाद मैं लूँगी 1 चम्मच बेकिंग पाउडर, फिर मैं लूंगी 1/2 चम्मच बेकिंग सोडा। इसे डालकर इसे अच्छी तरह से छलनी से चाल लेना है, ये सारे मेरे जो इतना है सब उसमें मिक्स हो जाए। देखिए इस तरह से चाल लेना है, ये देखिए छोटे छोटे टुकड़े हो जाते हैं, इन्हें भी अच्छी तरह से इसको चाल लेना है इस तरह से। इसके बाद मैं लूंगी 1/2 कप शुगर, 1/2 कप रिफाइंड ऑयल, 1/2 कप मिल्क, आप कोई भी मिल्क ले सकते हैं। उसके बाद उसे एक तरफ से चलाते हुए अच्छी तरह से मिला लेना है, जब तक वो अच्छी तरह से मिक्स हो जाए तब तक हमें उसे मिला लेना है। इस देखिए इस तरह से लगातार चलाते हुए मिला लेना है। ये केक बहुत ही यमी बनता है, इसे आप जरूर बनाएं, आपको बनाने में बहुत ही अच्छा लगेगा। ये देखिए इस तरह से मिल चुका है ये। इसके बाद इसमें मैं ऐड करूंगी अपने जो ड्राई इंग्रेडिएंट्स थे, उसे मैं धीरे धीरे करते हुए इसमें सारे मिला लूंगी। पहले हमें धीरे धीरे एक तरफ से मिला मिला लेना है, एक ही तरफ से हमें इसे लगातार चलाना है, स्मूथ सा पेस्ट हमारा बन के रेडी हो जाए। इस तरह से हमें मिला लेना है। इसके बाद मैं बटर स्कॉच फ्लेवर का डाल रही हूँ एसेंस, क्योंकि मुझे बटर स्कॉच चाहिए। 1 चम्मच में बटर स्कॉच एसेंस डालूंगी, उसके बाद इसे भी मैं मिला लूंगी। थोड़ा सा मैं इसको जेल फूड कलर दूंगी, येलो कलर का, जिससे हमारा जो केक है वो बहुत सुंदर सा दिखेगा। वो एक बूंद एक वन ड्रॉप मैं इसमें येलो फूड कलर लूंगी, टू ड्रॉप में लूंगी इसको फूड कलर। इस तरह से हमें मिला लेना है। अब उसमें डालकर देख लेंगे कि आपको किस तरह का कलर चाहिए। उसके बाद हमें एक तरफ से मिलाते हुए इसको पूरा मिला लेना है। देखिए इस तरह से हमारे केक टिन को मैं ऑयल लगा कर ग्रीस कर लूँगी। अच्छी तरह से हमें ऑयल लगा लेना है, चारों तरफ से इसको मिलाते हुए लगा लेना है ब्रश से। देखिए इस तरह से। उसके बाद मैं इसमें मैदे की डस्टिंग करूँगी, थोड़ा थोड़ा से मैदे इसमें छिड़क कर चारों तरफ से मिला लेना है, ताकि एक लेयर सा बन जाता है, जिससे हमारा जो केक है वो नीचे की तरफ से जलेगा नहीं, वो आसानी से अच्छी तरह से वो निकल जाएगा। इस तरह से मैंने एक लेयर लगा लिया है, इसमें आपको बटर पेपर लगाने का जरूरत नहीं पड़ेगा। देखिए इस तरह से, देखिए इस तरह से मैंने चारों तरफ से एक लेयर सा बना दिया है मैदे की डस्टिंग से। उसके बाद मैं इसमें अपने जो केक बैटर है उसको मैं इसमें ट्रांसफर कर दूंगी। इस तरह से मैं सारे इसमें ट्रांसफर कर दूंगी। इसके बाद हमें इसको बर्तन को थोड़ा सा टैप करना है, ताकि जो हमारे जो नीचे से बबल्स हैं वो सब भर जाए, अच्छी तरह से फील हो जाए इस तरह से। उसके बाद हमें केक को
35 से 40 मिनट्स के लिए बेक करना है, लो फ्लेम पर इसे बेक करना है। 30 मिनट्स पे एक बार आपको चेक जरूर करना है, उसके बाद इसका फ्लेम हम लो कर देंगे। 35 मिनट्स हो चुका है, देख चलिए चेक करते हैं। एक पतले से तार ले लीजिए, चाहे एक टूथपिक ले लीजिए, उससे हम डाल कर देखेंगे। वो क्लीन आ गया तो हमारा केक जो है बन चुका है। गैस को हम कर देंगे ऑफ, उसके बाद इसे आधे घंटे के लिए ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। देखिए वो अपने आप बर्तन को छोड़ देता है चारों तरफ से। आधे घंटे के बाद केक जब हमारा ठंडा हो चुका रहेगा तो फिर एक मैं नाइफ लूँगी, अगर थोड़ा सा कहीं सटा भी हो तो वो भी निकल जाएगा। उसके चारों तरफ से हम इसे डिमोल्ड कर लेंगे। देखिए इस तरह से घुमाते जाना है, धीरे धीरे से ऐसे करना है। देखिए इस तरह से हल्के हाथों से करते जाएं। उसके बाद हम इसे बर्तन पे उलट देंगे तो हमारा वो आसानी से निकल जाएगा। इसके बाद मैं ले रही हूँ 1 चम्मच बटर स्कॉच एसेंस और जेल, येलो फूड जेल कलर इसमें इससे डालूंगी। उसका टेस्ट और जो कलर है वो बहुत अच्छा दिखेगा। उसे डालकर मैं अच्छे से व्हिप क्रीम में मिला लूँगी। आप कोई भी कंपनी का व्हिप क्रीम ले सकते हैं। इस तरह से हो गया है। उसके बाद मैं पहले स्टैंड में लगा लूँगी, उसके बाद मैं शुगर सिरप अप्लाई करूँगी। फिर मैंने उसका एक पतला सा लेयर लगा दिया है व्हिप्ड क्रीम का। इसमें जो खास चीज़ है वो है बटर चिप्स, जो कि बटर चिप्स बोलिए या फिर क्रंच बोलिए, जो इसको आप बोलें, वो बहुत ही टेस्टी लगता है। उसे मैं भी थोड़ा सा ऐड करूँगी इसके अंदर भी। उसके बाद मैं दूसरा लेयर लगाऊंगी। इसी तरह आपको कंप्लीट कर लेना है लगाकर। इस तरह से मैं उसको कवर कर दी हूँ व्हिप्ड क्रीम से। इसमें ज़्यादा कुछ इसमें मेहनत ही नहीं है, बहुत ही आसानी से केक बन जाते हैं। ज़्यादा इसमें आपको ना डिजाइन करना है, ना शार्प करना है, कुछ भी नहीं करना है। सबसे इजी जो है ना, बहुत इजी तरीका से आपको ये बन सकता है। ये देखिए इस तरह से मैंने ब्रश से एक डिजाइन कर लिया है, एकदम सिंपल सा डिजाइन है, कुछ नहीं है इसमें। बस चारों तरफ से घुमाते जाना है ब्रश को, बस अपने आप उसमें डिजाइन हो गया। इस तरह से देखिए मैंने ब्रश को लेके धीरे धीरे इसको घुमा दिए। उसके बाद मैंने चॉकलेट को मेल्ट कर लिया है, मैंने उसी से एक डिजाइन पतले पतले लाइन करके कर दी हूँ। आपको जैसा डिजाइन है वैसे कर सकते हैं, कुछ इसमें डिजाइन का जरूरत भी नहीं है। बस वैसे भी आपको कुछ सिंपल भी रख सकते हैं। मैंने बस ब्लैक चॉकलेट का यूज किया है। उसके बाद मैं बटर क्रंच जो है मैं ऊपर से उसको डाल दूंगी, चारों तरफ से उसको मिलाते हुए इसको डाल देंगे। दिखने में जैसे जो जितना भी सुंदर दिखे बस वैसे ही हम लोग को लगाते जाना है। आपको जैसा डिजाइन है वैसे कर सकते हैं। मैं थोड़ा सा उसमें चॉकलेट क्रंच डाल रही हूँ साइड से। देखिए फिर उसके बाद मैंने बटर स्कॉच क्रंच डाल दिया इस तरह से। थोड़े से डार्क चॉकलेट को क्रंच करके मैंने उसको ऊपर से फ्लावर जैसे बना दिया है। देखिए कितना सुंदर सा तैयार हो गया है। देखिए ना, बिना कोई मेहनत के आप इसे बना सकते हैं। देखिए इस तरह से हमारा केक जो है बन के तैयार हो गया है। ये हमारा 1/2 kg का केक है, देख कितना सुंदर सा दिख रहा है। मेरा वीडियो आपको पसंद आया तो प्लीज कमेंट करके जरूर बताइए कि कैसा बना है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।